हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन पंजेरियन। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो कनाडा में जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, और अगर आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं इस दौरान आने वाले कुछ समय में, यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा, तो क्या क्या जो प्रोसेसेस हैं वो आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, और जब आप कनाडा लैंड करते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट पे, और क्वारंटीन के जो रूल्स हैं वो आपको कैसे फॉलो करने हैं, कैसे आपका टेस्ट होगा कोविड का, तो वो सारी बातें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान है जो रिसेंटली ही इंडिया से ट्रैवल करके कनाडा पहुंचे हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने अपना क्वारंटीन और जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे प्रिपेयर किए, सो उन्हीं से बात करते हैं। स्टे ट्यून। हाय फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष ठक्कर। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे जो व्यूअर्स है पंजेडियन की, उनको काफ़ी हेल्पफुल होगी जो अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा ट्रैवल करने का। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हरप्रीत पाजी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। या सो इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप भी अभी बस थोड़े दिन पहले ही इंडिया से कनाडा ट्रैवल करके आए हो, सो हम ये जानना चाहते कि क्या प्रोसेस था, लाइक इंडिया आपने टिकट बुक कराने से लेके लैंड करने के बाद क्वारंटीन का, इफ यू कैन एक्सप्लेन अस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को ध्यान पे रखनी चाहिए ट्रैवल करने से पहले, इफ यू कैन शेयर दैट। तो पाजी स्टार्ट करते हैं कि मैंने पहले एयर इंडिया में ही टिकट कराई। Okay. वंदे भारत मिशन चल रहा था अभी बीच में, तो जहां तक मुझे पता है एयर इंडिया और एयर कनाडा में टिकट कराना ही सेफ रहेगा अदर देन और एक्सटर्नल एयरलाइंस। वो किस लिए? क्योंकि मे बी उनका एंट्री एग्जिट का प्रॉब्लम हो सकता है, और लाइक दूसरे कंट्री में अगर आप लैंड करते हो तो शायद वहां पे भी कोविड टेस्ट देना पड़े, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और जहां तक मुझे पता है बबल फ्लाइट्स का एक रूट होता है। ओके। और वो हफ्ते में सिर्फ दो ही फ्लाइट्स होती है और वही डेडिकेटेड रूट होता है, तो वो आपको ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा बुक करने में और ज्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। तो एयर इंडिया एंड एयर कनाडा बेस्ट रहेंगी। यस, बेस्ट है। ओके, तो अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि इंडिया में सब, मेरा तो दिल्ली से हुआ था क्योंकि मैं बीसी में रहता हूँ। okay. अगर आप टोरंटो साइड रहते हो और आपका अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट पियर्सन है तो शायद आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए टोरंटो टू मुंबई। क्योंकि और मेरे केस में मुझे वैंकूवर दिल्ली और दिल्ली मुंबई की फ्लाइट मिली थी। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि वैंकूवर मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, वैंकूवर दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है। और अगर प्रोविंस का ऐसा रूल है कि अगर आप यहाँ से टोरंटो भी जाते हो तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ता है, जहां आप लैंड करते हो आपको वहीं क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो वो एक अगर आप प्रोविंस चेंज करते हो, अगर हाँ अगर आप एयरपोर्ट ही नहीं छोड़ते और आपका लेओवर है देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो इन माय ओपिनियन अगर आप वैंकूवर में हो तो आप वैंकूवर दिल्ली दिल्ली मुंबई की फ्लाइट ले सकते हो एयर इंडिया एयर कनाडा थ्रू। यस, आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शन है। यस, कि आप सीधा और उसमें प्रॉब्लम तो कुछ आता नहीं है, आप सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। पर मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको इंडिया क्यों जाना, मतलब अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले मैंने खुद को रजिस्टर करा एयर इंडिया में। ओके, लाइक रजिस्टर किया मतलब आपने टिकट बुक, प्रोफाइल बनाया। प्रोफाइल बनानी पड़ती है। ओके okay. यस, तो प्रोफाइल बनाने के बाद आपको डेट्स मिलती है, मतलब जैसे मैंने कहा हफ्ते में सिर्फ दो फ्लाइट्स होती है, तो मैंने संडे का रूट चुना, सैटरडे, क्योंकि मेरी फ्लाइट सैटरडे की थी और मैं संडे को पहुंचता था क्योंकि छुट्टी होती है उस दिन आपके डेस्टिनेशन पे भी, तो आपको थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। तो वो रूट स्टार्ट किया। तो मैं प्री डिपार्चर की आपको बोलता हूँ पहले, अभी आप नो मैटर कौन सी भी कंट्री में हो, आपको प्लेन बोर्ड करने से पहले 72 आवर्स प्रायर कोविड टेस्ट तो कंपलसरी ही है। ओके, यानी कि ऑलमोस्ट
3 दिन पहले, राइट? यस। 3 दिन, 3 दिन के पहले कराना है कि 3 दिन के अंदर का रिजल्ट होना चाहिए, वो कैसे होता है? तो आपकी सपोज फ्लाइट मेरी 14th को है, तो आपका रिजल्ट 10th या 11th को, 10th को आप करा दीजिए। ओके। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ आरसी पीसीआर टेस्ट ही जो होती है, वो जो स्वाब लेते हैं वही आपको फटाफट रिजल्ट देगी और वही एक्सेप्टेबल है जनरली। ओके, जो स्वाब टेस्ट, जो स्वाब टेस्ट ही हाँ होंगे, हाँ पीसीआर टेस्ट बोलते हैं उसको। पीसीआर टच। तो पहले जब मैंने प्रोफाइल क्रिएट करा और मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक दिल्ली पे, एक आप लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में कि दिल्ली एयर सुविधा का एक फॉर्म होता है, दिल्ली एयर सुविधा। ओके, अगर वो आप, एक वेबसाइट है तो अगर दिल्ली कोई कोई गवर्नमेंट प्लेन आ की। रहा है तो ऐसे हर एक एयरपोर्ट का होगा? नहीं हाँ हो सकता है, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका इंडिया में पोर्ट ऑफ एंट्री दिल्ली एयरपोर्ट ही है, ओके, वो चेक कर लो। तो दिल्ली एयर सुविधा के वेबसाइट पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, राइट। तो वो आप भर दीजिए। वो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारा, उसमें जो क्या भरना है क्या नहीं। और क्वारंटाइन की अगर बात करें तो अगर आपकी नेगेटिव टेस्ट है तो क्वारंटाइन का इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। मेरे केस में मैंने होम क्वारंटाइन के लिए एग्जेम्पशन लिया हुआ था, उसका भी फॉर्म है दिल्ली एयर सुविधा पे, और तो वो डिपेंड करता है। एसेंप्शन, मतलब आप इंडिया में जो होम क्वारंटाइन करने उसकी बात कर रहे हैं, तो हाँ उसका तो आप, उसमें क्या होता है कि एग्जेम्पशन के क्राइटेरिया होते हैं कि आपको क्यों चाहिए। आपके फैमिली में किसी की सपोज डेथ हो गई है, या आपका कोई बहुत बीमार है, राइट। या ऐसा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। तो क्या होता है कि आपको उसमें से वो रीजन सिलेक्ट करना है और आपका नेगेटिव कोविड टेस्ट का रिपोर्ट अपलोड करके वो फॉर्म सबमिट करना है, और विद इन 24 आवर्स आपको आपका कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा ओके, कि आपका होम क्वारंटाइन अप्रूव हो गया है, और वो एयरपोर्ट के हर एक चेक पॉइंट पे वो चेक होता है। तो ये जो अप्रूवल है ये कहाँ से आता है, मतलब ये? ये दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हेल्थ वालों से ही आता है। तो ये जो क्वारंटीन है, अभी मुझे कंफ्यूजन है, लाइक दिस क्वारंटीन, जो होम क्वारंटीन है, ये कनाडा का एक्सेम्पशन है, राइट? कनाडा होम क्वारंटीन जब आप पहुंचोगे। नहीं, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अगर आप यूके से या यूरोप से आ रहे हो या साउथ अफ्रीका से आ रहे हो जहाँ पे वेरिएंट्स मिलने का वो है, तो शायद आपको नेगेटिव हो तो भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़े, पर मेरे केस में मुझे नहीं करना पड़ा क्वारंटाइन। मैंने होम क्वारंटाइन दिखाया और मैं घर चला गया सीधा। ठीक है, तो ये तो था जब आप इंडिया, कनाडा से इंडिया आए थे, राइट? हाँ, और फिर फ्लाइट में आपको दिल्ली पे आपका इमिग्रेशन होता है, और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से आपको डोमेस्टिक फ्लाइट मिलती है। ठीक। आपको फ्लाइट चेंज करनी होती है, पर आपका लगेज आपको मुंबई एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा, लगेज लेना नहीं होता। ओके, ठीक है। तो ये तो तो था जब जी आप इंडिया से, इंडिया गए। यस इंडिया गए कनाडा से, तो आपने होम क्वारंटीन के फॉर्म वो सब भर दिया, आपको एक्सेम्पशन भी मिल गया बिकॉज आई एम इशू है, कोई बीमार है या कुछ हुआ। सो ठीक है, ये प्रोसेस तो समझ में आ गया। तो आप हमें, जब इंडिया से जब वापस आप कनाडा आए, तो उसका भी प्रोसेस बता सकते हैं, आपने क्या क्या किया? हाँ, तो सबसे पहले आप कनाडा की वेबसाइट पे एक लिंक है जिसमें लिखा होता है हु कैन ट्रैवल, तो आप उसमें जाइए और अपना डिटेल्स भरिए, और फिर उस वो क्वेश्चनर जब खत्म होता है फिर रिजल्ट आता है। मेरे केस में यू आर लाइकली टू बी अलाउड लिखा होता है, लाइकली टू और बी, उसके नीचे भी लिखा होता है इट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स अपॉन द इमिग्रेशन ऑफिसर कि वो आपको एडमिट करता है या नहीं कंट्री में। ओके। सो इन ये माई जो, केस मैं रिटर्निंग वर्कर था, ओके, आपके मेरे पास वर्क परमिट थी पास जो वर्क कि वैलिड परमिट, थी, वैलिड वर्क मेरे परमिट, पास टेम्पररी रेसिडेंट वीजा था, ओके, ठीक और जो पासपोर्ट पे स्टिकर होता है, होता है, राइट। हाँ, और स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, पर टूरिस्ट्स का थोड़ा टेक्निकल टूरिस्ट तो है अभी वो। आई थिंक बिल्कुल बंद ही है कनाडा में, लेकिन स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स जो हैं जिनके पास वैलिड वीजा है हाँ और तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो, आप क्वेश्चनेयर भरते हो तो मेरे में यू आर लाइकली टू ट्रैवल, तो वो कौन सी वेबसाइट है आपको याद है? अगर आप सीआईसी की वेबसाइट भी है। सीआईसी की वेबसाइट पे ही मिल हाँ जाएगा। मतलब आईआरसीसी की वेबसाइट पे आप जाइए और आपको मिल जाएगा। ओके,
ट्रैवलिंग कनाडा, फिर आएगा बाई एयर, ऑलराइट तो वो हो गया तो आपकी पहली बात रिटर्न टिकट तो होगी ही 100% सबके राइट पास, अगर वो आ रहे हैं या जो फर्स्ट टिकट होगी। सेम 72 आवर्स प्रायर कोविड टेस्ट चाहिए आपको, वो हर एक एयरपोर्ट वाले आपका बोर्डिंग पास इश्यू होगा तब से लेकर आपको जब कनाडा में एंट्री होगी तब तक वो कोविड टेस्ट चेक होगा अच्छा आपका, नेगेटिव वो टेस्ट। रिपोर्ट चेक होगी, तो हाँ ये बहुत जरूरी है कि आप वो रिपोर्ट हमेशा अपने पास ही रखें, है ना, लगेज में, हाँ बैग में नहीं रखनी चाहिए। मतलब हैंड लगेज में उसकी एक कॉपी रख रखनी सकते हैं आप, और डिजिटल कॉपी फोन में रखनी ही है आपको, क्योंकि चाहिए। जनरली रिजल्ट्स वाया टेक्स्ट मैसेज और ईमेल आ जाते हैं। ओके सो ये काफी अच्छा, जो दर्शक इसको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो भी कोविड का टेस्ट है, मेक श्योर आपके वो फोन पे है या आपके भैया पास। जस्ट यू हैव टू कीप इट हैंडी, मतलब अगर वो मांगे तो तुरंत निकाल के आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्या क्योंकि लाइन अगर लंबी हो या ऑफिसर घाई में हो तो फिर आपको वो थोड़ा अनइजीनेस हो जाता है, फिर सब बैग नीचे रखो, खोलो निकालो, उससे अच्छा यू हैव टू कीप इट इन काफी हैंडी। और टाइम भी लग जाता है, यू आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि काफी लंबी लाइन होगी आई एम श्योर यस कोविड में। एंड तो जब आप बोर्डिंग करते हो तो उससे पहले कुछ स्क्रीनिंग, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे, लाइक एयर इंडिया में होता होता है, तो है। पहले ये तो रहा आपका पहले नेगेटिव कोविड टेस्ट जो आप एयरपोर्ट पे आने से पहले कराते मतलब 72 आवर्स एंट्री प्रायर। एंट्री पे ही दिखाना पड़ता है क्या कोविड? हाँ, ओके और एंट्री में आपको अराइव कैन करके जो ऐप है, हाँ अराइव कैन वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे मिल जाता है, उसमें हाँ आपको अपना अराइव कैन प्रोफाइल बना के एक उसकी रिसीट मिलती है, ओके वो रिसीट आपको भी कैरी करनी होती है। और जहाँ तक मुझे पता है होटल क्वारंटाइन जो स्टार्ट हुआ है अभी, हाँ जो कि सबका नंबर वन क्वेश्चन होगा और जो सबसे एक्सपेंसिव होता है, यस वो उसकी भी बुकिंग का अगर आप बुकिंग करते हो तो आपको एक रेफरेंस नंबर आता है, वो भी आपको अराइव कैन पर डालना होता है। ओके तो यानी कि आपको पहले मतलब होटल भी बुक करना पड़ेगा जहाँ आप क्वारंटाइन कर रहे हो, एक हाँ रेफरेंस जी नंबर मिलेगा, और अराइव कैंप पे भी रजिस्ट्रेशन करते तो रेफरेंस नंबर हाँ आपको। वो आप जैसे ही अराइव कैन भरोगे ना, और आपका जैसे ही आगे आगे बढ़ेगा तो वो मांगेगा यू आर रिक्वायर्ड होटल क्वारंटाइन कंफर्मेशन नंबर, फिर आपको वहाँ पे लिखना है। और ओके अगर आप 14 दिन होटल में रह रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहीं रह रहे हो तो फिर आपका 3 डेज के बाद का भी क्वारंटाइन का एड्रेस वो लिखना है आपको, हाँ अगर आप किसी फ्रेंड के पास या कोई या अपने आपके रूम में या आपके अपार्टमेंट में रह रहे हो तो। अपार्टमेंट पे रह रहे हो तो आपको वो एड्रेस भी रखना पड़ेगा। ओके हाँ, तो तो ये सब आपको अराइव कैन ऐप पे भरना सिर्फ पड़ेगा। ओके ठीक है आगे चलते हैं। तो ये एक बार हमने सब डिटेल डाल दिया, अराइव कैंप पे होटल रजिस्ट्रेशन सब हो गई हमारी। तो ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ जो एयरपोर्ट जाने से पहले ये सारी आपको चीजें करनी है। करनी नंबर राइट वन हो गया आपका नेगेटिव कोविड टेस्ट, right. नंबर टू होटल बुकिंग, होटल बुकिंग नंबर थ्री अराइव कैन रिसीट, ये तीनों पेपर्स आपके पास होने चाहिए। और अभी मूविंग ऑन नेक्स्ट पेपर, अगर आप वर्कर हो, अगर आप रिटर्निंग वर्कर हो तो आपका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा कि वो उसमें लिखा होगा कि आपका ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप इंडिया ये टाइम तक गए थे और यू आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बैक ऑन दिस डेट, वैसा लेटर आपका एम्प्लॉयर से आपको लेना पड़ेगा। वो या तो अगर आप रिटर्न वर्कर हो तो आपको पहले ही वो एम्प्लॉयर से लेके आना पड़ेगा राइट। हाँ, और अगर आप न्यू वर्कर हो तो आपको आपका ऑफर लेटर मांगेंगे, ओके ओके और साथ में अगर रिटर्निंग वर्कर हो तो आपके 2 रीसेंट पे स्टब्स भी, मतलब आपकी छुट्टी के पहले वाले जो 2 पे स्टब्स है वो भी लगे। रिटर्न वर्कर सो या तो वो चेक करते हैं बेसिकली कि आपका जो जॉब है हाँ अभी जी वैलिड है और एम्प्लॉयर ने आपको वापस भी बुलाया है ना, और आपकी सैलरी स्लिप्स भी चेक कर सकते राइट, 2 रिसेंट पे स्टब्स चाहिए। तो अभी होटल बुकिंग का तो अभी मैं बताता हूँ, अभी स्टार्ट करता हूँ होटल बुकिंग का बताना। तो अगर लेकिन एक एक क्वेश्चन आप है, अगर ये तो हो गए, बहुत सारे लोग स्पाउस वीजा पे भी जाते हैं ना, ओपन वर्क परमिट, उनके पास तो कोई जॉब होता नहीं है तो तो उनके स्पाउस लिए वीजा क्या? पे वो मुझे आइडिया नहीं है, ओके सॉरी, क्योंकि मैं अभी बैचलर हूँ, हाँ हाँ ओके लेकिन स्पाउस का मुझे पता नहीं है अभी कुछ, पर उसका भी कोई प्रोसेस होता ही स्पाउस होगा आई एम वीजा प्रीटी भी, श्योर। क्योंकि मुझे याद है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा भी एक फ्रेंड आया है, वो भी स्पाउस वीजा पे ही आया है, तो उसको भी ये एयरपोर्ट पे क्वेश्चन जरूर पूछा था कि आपके पास ओपन वर्क परमिट है या, क्योंकि ओपन वर्क परमिट में वर्कर लिखा होता है स्पाउसल वीजा में, यस तो उनसे वो
क्वेश्चन उन्होंने जरूर पूछा था कि आपका जॉब ऑफर दिखाइए। तो वो तो मांगते ही है। अगर आपने बोला कि आपके पास जॉब ऑफर नहीं है और आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढने आए हैं तो शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हाँ तो उसमें वो लोग एक्चुअली, लेकिन वो सब यहाँ पहुंच गया आई थिंक, उस केस में आपको फिर वो एक IRCC का ट्रैवल एक्सेम्प्ट लेटर होता है वो आपको दिखाना पड़ता है राइट। आई गेस, वो आपको IRCC अप्रूव करके दे देता है पहले से, हाँ आपको अप्लाई करना पड़ता है तो देन यू कैन ट्रैवल, अदरवाइज तो वो लोग जाने नहीं देते अगर आपके पास नहीं, अदरवाइज तो नहीं। कुछ ना कुछ अप्रूवल तो होना चाहिए आपके पास हाँ, वर्क क्योंकि जो भी आप फॉर्म परमिट में भरते हो या उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो चाहिए। चाहिए। राइट तो अभी बात करते हैं होटल क्वारंटाइन की बाजी। तो अभी कनाडा में सिर्फ आप 4 एयरपोर्ट्स पे लैंड कर सकते हो, टोरंटो, वैंकूवर, 2 मेन एयरपोर्ट्स है, फिर एक कैलगरी में भी है और एक और एयरपोर्ट है, मुझे याद नहीं है कौन सा है। ओके, तो 4 ही हैं, सो वो तो ठीक है। 4 मेन एयरपोर्ट्स है। इंडिविजुअल तो तो मोस्टली लोग टोरंटो वैंकूवर ही जाते हैं। यस यस, या तो टोरंटो एयरपोर्ट और वैंकूवर एयरपोर्ट, अगर जब आप होटल क्वारंटाइन का सिलेक्ट करोगे तो आप जो एयरपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जो होटल्स की एक लिस्ट आएगी, ओके जो जो अप्रूव्ड है कि जो जो अप्रूव्ड नहीं है, तो वो लिस्ट में से ही आपको बुक करनी है होटल। ओके, तो आप खुद से नहीं कर सकते। राइट नहीं, और वो होटल का लिस्ट होएगा, वो लिस्ट में से ही आपको सिलेक्ट करनी है। उसमें दो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक में सिर्फ होटल का नाम होता है और एक में होटल का नाम और ब्रैकेट में ऑनलाइन बुकिंग लिखा हुआ होता है। तो इसको मैं फर्क बता रहा हूँ आपको। जिसमें ऑनलाइन बुकिंग लिखा हुआ होता है आप उसकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हो, और जिसमें सिर्फ होटल का नाम लिखा हुआ था आपको उसको फोन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि आप रिटर्न कनाडा में नए आ रहे हो, आपको होटल क्वारंटाइन के रेट्स प्रोवाइड किए जाए। तो फिर वो रेफरेंस लेटर कैसे मिलेगा अगर फोन करेंगे तो? आप फोन करोगे तो वो आपके ईमेल आईडी मांगेंगे और फिर आपके ईमेल पे कंफर्मेशन एक लिस्ट भेज देते हैं। ओके, कि आप तो उसमें आपको फिर पेमेंट भी करनी पड़ती है क्या? हाँ, पेमेंट भी आपकी करनी पड़ती है और वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, तो एक बार आपने मतलब फोन को फोन किया, वो उनको आपने बोला कि मैं इतने इतने दिन को आ रहा हूँ, वो आप हाँ, फिर वो लोग चेक करेंगे कि अवेलेबिलिटी है या और नहीं। आपको एक मेल भेज देंगे और उसी में हाँ, अगर आप, अटैचमेंट लिंक भी दे देंगे। राइट हाँ, तो उसके साथ ही साथ आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा, ओके ठीक है। और एक बार कंफर्मेशन ईमेल आ गया तो फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और फिर वो कंफर्मेशन ईमेल में ही कंफर्मेशन नंबर होगा जो आपको अपने अराइव कैन पे डालना है। ओके, तो बराबर है। तो एक बार आपकी होटल बुकिंग हो गई, फिर बुकिंग हो गई, कंफर्मेशन। आप एयरपोर्ट पे गए, राइट और इन माय केस मैं मुंबई एयरपोर्ट से आया, तो मेरे बोर्डिंग पास इश्यू होने से पहले जो हॉस्टेस होती है उन्होंने मेरे से मांगा मेरा नेगेटिव कोविड टेस्ट, मेरा ओरिजिनल वर्क परमिट, मेरा टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा, मेरा होटल अराइव कैन रिसीट, मेरा होटल क्वारंटाइन की बुकिंग। इतनी चीज़ें उसने मांगी, उसने अपने सुपरवाइजर को बताई, उसने वेरीफाई करी, तब जाके मुझे बोर्डिंग पास मिला। बोर्डिंग पास मिला। तो मतलब ये 4-5 डॉक्यूमेंट तो बहुत ही जरूरी हैं जो आपने अभी अभी बताया, यस, उसके बगैर तो आपको बोर्डिंग पास लेना इस बोर्डिंग पास ही नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाएंगे मिलेगा। कैसे? तो राइट राइट एक बार आपका बोर्डिंग पास इश्यू हो जाता है तो आप बॉम्बे टू दिल्ली डोमेस्टिक फ्लाइट में जाते हो इन माय केस, और आपका इमिग्रेशन होता है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो एक बार आप दिल्ली एयरपोर्ट गए, आप दिल्ली अपनी एयरपोर्ट पे भी इमिग्रेशन फ्लाइट ऑफिसर, हुआ होगा, आई एम श्योर आपसे यही सब मांगे होंगे डॉक्यूमेंट्स। इमिग्रेशन ऑफिसर ने से पूछा कि आप क्यों जा रहे हो कनाडा, आप उसको बोल दीजिए सर ऐसा ऐसा है, मेरे पास वर्क परमिट है, वो वीज़ा देखेंगे, और अगर उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछेंगे। मेरे केस में उन्होंने सिर्फ बोला ओके, स्टैम्प किया और मेरा पासपोर्ट दे दिया और बोला यू आर गुड टू गो। ओके, सो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि आई एम श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वर्क परमिट। सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, अगर आप उसको प्रोवाइड कर दें तो उनके लिए भी ईजी हो जाता है कि हाँ, इसके पास सारा है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ और आई लेट हिम गो। ओके नाइस। तो एक बार ये हो गया आपका दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन, फिर आप कनाडा के फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, फिर आप जब भी लैंड होते हो और तो ट्रैवल आपको के फ्लाइट के अंदर क्या माहौल रहता है, लाइक आपको फ्लाइट के अंदर का माहौल, ये एक आपने एक बहुत सीट अच्छा छोड़ के क्वेश्चन बिठाते पूछा, हैं या कैसे होता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। फ्लाइट के अंदर का माहौल ऐसा होता है कि जो भी मिडल सीट में बैठता है, जो भी मिडल सीट में बैठता है उसको पीपीई किट पहनने को बोलते हैं। पीपी किट। ओके यस,
और आपको एयरलाइन की तरफ से फेस शील्ड, एक फेस मास्क और सैनिटाइजर के शैशेस, मतलब जो छोटे पैकेट्स होते हैं वो दिए जाएंगे। ओके तो आप ऑलरेडी नीडलेस टू से आपको पूरे टाइम फेस मास्क तो पहने ही रहना है, और शील्ड भी लगा के रखनी है, राइट? और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने तो शील्ड लगा के रखी थी, ओके क्योंकि बीच में भी जो बंदा बैठता है उसको तो एडवाइजेबल है कि आप फेस शील्ड, फेस मास्क और पीपी किट पहने अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। तो राइट। तो मतलब जैसे वो ही, सभी सीट में मतलब बंदे बैठे होते हैं, कहने का मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि एक गैप छोड़ के बैठा है या एक खाली, नहीं पूरी मैं जिस फ्लाइट में आया था वो फ्लाइट पूरी फुल थी। फुल फ्लाइट थी। ओके आई यस, और जैसे ही थिंक आप उसमें एंटर, घबराने की भी इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि सब कोविड टेस्ट करा के ही आते हैं, बट फिर भी राइट, प्रिकॉशन इज सेफ्टी इज बेटर देन क्या बोलते हैं वो एक वर्ड है ना, भूल गया यार मैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यस, बट ओके सो तो गुड। जैसे ही आप एंटर करते हैं फ्लाइट में, आपकी सीट पे दो पैकेट्स रखे होते हैं, एक तो ब्रेकफास्ट का एक पैकेट रखा होता है और एक स्नैक्स का पैकेट रखा होता है। तो ओके पहले वो ऑलरेडी रखा हुआ होता है, से ही रखा। और नहीं, और एक बार आप अपने आपके हिसाब से आप खा पी सकते हैं वो, और पानी की बॉटल्स जो है ना वो एयर होस्टेस सर्व नहीं करते आपको। आपको वो बोलते थे कि पीछे वॉशरूम के पीछे जो उनका स्टोरेज रहता है वहाँ पे बॉटल्स पड़ी रहती है, आप जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं, आपको जितनी चाहिए उतनी। ओके सो मतलब जो हम आमतौर पे जो सर्विसेज देखते हैं क्रू से, हाँ, इन फ्लाइट सर्विसेज और क्रू से कांटेक्ट सब एकदम मिनिमम रखने को राइट। अनाउंसमेंट्स होती है प्लेन में, और आप उसके बाद आपका जो खाना होता है आप खा सकते हो। उसके बाद जब भी क्रू आता है आपको हॉट मील प्रोवाइड करता है, तो ओके तो आपको पास ऑप्शन है वेज चाहिए नॉन वेज, ये वो पूछता है, और वो उसके हिसाब से यू कैन हैव योर मील। ओके ऑसम। ऑलराइट तो तो ये तो हो गया फ्लाइट का, फ्लाइट कैसा का माहौल। हो गया, फिर क्या हो गया। उसके बाद जब भी आप लैंड करते हो, जब भी आप एग्जिट करते हो, तो सबसे पहले आपके अनाउंस करते हैं कि आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, राइट। आपका होटल क्वारंटाइन का लेटर हाथ में रखिए। तो वैंकूवर एयरपोर्ट के ऑफिशियल जो होते हैं वो आपका होटल क्वारंटाइन का लेटर देखते हैं और आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगाते हैं ओके करके, तो वो स्टिकर इमिग्रेशन ऑफिसर तक चेक होता है। तो वो एक बार आपका स्टिकर लग गया, फिर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन का एक फॉर्म होता है कि क्या आप $10,000 से ज़्यादा कैरी करते हैं, या आपके पास कोई गिफ्ट्स है या अनअटेंडेड आइटम्स है। तो वो एक फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है, ऑटोमेटिक ही होता है, और वो आपको एक रिसीट प्रिंट करके देता है, वो आपको रखनी होती है। तो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता है फॉर्म भरते वक्त या कोई भर हाँ, लो? आप वो ऑनलाइन मशीन ही होता है, जैसे एटीएम मशीन होता है वैसे, आपका पहले पासपोर्ट स्कैन होता है उस पर। एक बार ओके पासपोर्ट स्कैन हो गया, फिर आपको क्वेश्चन पूछता है, वो आपको आंसर करके एक रिसीट देते हैं। ठीक है। तो वो आप रिसीट ले लीजिए, और जब भी आप रिसीट ले लेंगे तभी आप वो आपका एक लाइन में खड़ा होना है, तभी आपका फेस होता है इमिग्रेशन ऑफिसर से, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, जाते हैं राइट। तो वो पूछता है कि सर आपको कनाडा में आने का रीज़न क्या है, तो आपको बताना है आपका जो भी रीज़न है। ठीक और है। वो भी नेगेटिव कोविड टेस्ट मांगते हैं, होटल क्वारंटाइन का बुकिंग, आपका ओरिजिनल वर्क परमिट, और आपका ये नेगेटिव कोविड टेस्ट, और आपका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आपका ऑफर लेटर या आपका कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर, आप जो भी कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी में जो भी आ रहे हैं उसके हिसाब हाँ, से सारे प्रूफ मांगते हैं। ठीक है। तो वो एक बार वो चेक करेंगे, तो अगर उन्होंने फिर आपको वो बोलते हैं कि सर आप क्वारंटाइन कीजिए, आप इसका रूल्स तोड़ेंगे तो ऑफेंस है, आपको फाइन और जेल टाइम दोनों हो सकता है। ओके वो सब आपको सब रूल समझाते हैं वहां पे हाँ, बेसिकली। और फिर वो आपको स्टैंप मार के आपको प्रोसीड करने के लिए कहते हैं। ओके फिर आप लगेज कैरी करते हो, एक बार लगेज कैरी कर लिया फिर आपकी होती है कोविड टेस्ट। ओके अभी इंपॉर्टेंट, अभी फिर से इंटरेस्ट हाँ सब हो गया। अभी तो आपने सोचा होगा कि सब क्लियर हो गया, लेकिन फिर से आगे कोविड टेस्ट। हाँ वो सबसे मेन है कोविड टेस्ट। तो जैसे ही आप जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे भी खड़े खड़े रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ हाँ पे बैनर्स या बोर्ड लगे, या नहीं किया हो तो आप वहाँ जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। ओके तो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसके बाद कोविड टेस्ट होता है, पहले नहीं होता भाई? नहीं आपका एक बार लगेज कैरी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, उसके बाद आपकी कोविड टेस्ट होती है। ओके
तो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपको एक फॉर्म देते हैं और वो फॉर्म लेके आपको अपनी कोविड टेस्ट करनी होती है। तो वो फॉर्म आप सबमिट करेंगे, वो आपकी कोविड टेस्ट करेंगे और वो आपका रिजल्ट्स वाया ईमेल या टेक्स्ट मैसेज आपको भेज तो देंगे। सेल्फ कोविड टेस्ट किट देते हैं कि वो कोई हाँ हाँ करता वो एक बार आप जाते हो फॉर्म लेके, आपकी है? कोविड टेस्ट होती है, फिर जैसे ही आपकी कोविड टेस्ट हो गई फिर आप जब एग्जिट करते हो फिर वहाँ पे आपको एक सेल्फ कोविड टेस्ट किट देते हैं, जो कि आपको 10th डे ऑफ क्वारंटाइन करनी होती है। ओके ठीक है। तो तो आपका कोविड टेस्ट हो गया, आपको फिर उन्होंने एक सेल्फ कोविड किट दे कोविड दी, टेस्ट किट दे दी, फिर आप उसके बाद एग्जिट निकल करने से, सकते हैं, यू कैन गो आउट ऑफ द नो एयरपोर्ट, राइट? नॉट येट, नॉट येट। उसके बाद एक और आप वैंकूवर एयरपोर्ट के ऑफिशियल होते हैं, वो आपको पूछते हैं कि सर आप क्या आपकी होटल क्वारंटाइन है या फैमिली के साथ रह रहे हो। जैसे आप होटल क्वारंटाइन बोलते हो तो वो बोलते हैं कौन सी होटल। तो सपोज आप बोलते हो फेयर माउंट या सैंडमैन, तो अगर आपने बोला फेयर माउंट तो वो बोलेंगे कि गो एंड सी दिस पर्सन। तो उसके ऑफिशियल्स रहते हैं या सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं, वो आपको गाइड करते हैं क्या करना है। तो जनरली क्या होता है, होटल की शटल्स होती है, शटल सर्विसेज, एक छोटी सी बस होती है वहाँ, वो आपको होटल में लेके जाती है। मेरे केस में मैं सैंडमैन होटल में मैंने 3 दिन क्वारंटाइन किया था, मेरे यहाँ पे शटल नहीं थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप टैक्सी कर लीजिए होटल तक, और टैक्सी की एक वाउचर मिलती है, टैक्सी वाले ही आपको एक वाउचर देता है। तो जैसे ही आप होटल पहुँचते हैं, आप वाउचर देते हैं तो आपको रिइम्बर्स कर देते हैं टैक्सी का कॉस्ट। होटल से रिइम्बर्स हो जाते हैं, ठीक, हाँ, इट डिपेंड्स आपकी शटल है या ये है अपना राइट, टैक्सी सर्विस का वाउचर है। ठीक है। तो ये मतलब आई थिंक होटल टू होटल डिपेंड करता है कि सबका ये ऑलमोस्ट सेम होटल टू होता होटल डिपेंड होता है क्या है क्या नहीं। एक बार आप होटल पहुंच गए, राइट? आपको फिर आपका चेक इन होता है वहाँ पे, जो होटल कॉन्फर्मेशन नंबर जो हमने बोला था उससे। फिर डिपेंड करता है होटल टू होटल। मेरे केस में मुझे $150 का वाउचर दिया गया था कि हम मेरे पास पर डे $150 जितना मैं खाना पीना मंगवा सकता हूँ एज पर माई कन्वीनियंस। और वो रूम सर्विस होता है, आपको बाहर जाना अलाउड होता ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आप क्वारंटाइन कर रहे हो। राइट, तो ये आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है, 3 दिन हाँ 150 का। यस, सो दिस तो ये हंड्रेड मेरे मेरे पैकेज में इंक्लूडेड इंक्लूडेड था, 150 का। और कोई कोई होटल्स में कौन सा? आपके जो टाइम होता है, सपोज ब्रेकफास्ट का 9 to 10:30, आपके रूम के बाहर वो छोड़ के जाते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपने हिसाब से। तो डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। तो ये जो 150 था इसमें आपका स्टे फूड सब इंक्लूडेड था, कैसा था ये? नहीं, $150 का मेरा सिर्फ होटल जो है उसमें इन हाउस एक रेस्टोरेंट होता है उसका वाउचर था। उसका वाउचर था, दैट्स इट। और स्टे हाँ, का तो अलग ही दिया होगा फिर आपने स्टे पर। का जो मैंने दिया था वो उसमें ही सब इंक्लूडेड है। तो 150 का जो वाउचर है वो मैं रिडीम कर सकता हूँ अप टू 150। आपको चाहिए तो आप स्किप द डिशेस या कोई उबर ईट्स या डोर डैश से भी मंगवा सकते हैं आपका खाना। तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, लाइक पर डे स्टे जो होटल में किया आपने? सो मेरा होटल क्वारंटाइन 3 डेज स्टे सैंडमैन में $1 to $18 का हुआ था। 1 to 18 dollars, यस। इंक्लूडिंग, और राइट। तो लेकिन अगर आपका, मैंने सुना कोई कोई केस में रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है, या सेकंड डे ही आ जाता है, या हाँ फर्स्ट हाँ आ डे। जाता है। मेरे ही केस में हुआ था कि मेरे दूसरे ही दिन रिजल्ट आ गया था। अभी आपको अगर चेकआउट करना है, आप करके अपने क्वारंटाइन लोकेशन पे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो क्यों आप होटल में अपने 3 दिन स्टे कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि बुकिंग के वक्त ही वो लोग बोलते हैं अगर रिजल्ट जल्दी आ गया तो हम बैलेंस लेके रिफंड नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। माइट एज वेल आप उतना दिन स्टे कर लो और फिर आप चले जाओ। ऑलराइट, सो देयर इज नो रिफंड, आपके केस में कोई रिफंड, यस। ठीक है। और वो लोग ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आपको 14 डेज तक एक्सटेंड करना है तो भी आप उनसे बात करके एक्सटेंड करवा सकते हो। भी सकते हो, ओके। एंड मोमेंट चेंजेस भी आप करवा सकते हो, चेंजेस। राइट, तो ये हो गया आपका होटल क्वारंटाइन। उसके बाद अगर आप जब घर जाते हैं आपके क्वारंटाइन लोकेशन में, तो आपको एक गवर्नमेंट या तो हेल्थ कनाडा से कोई ऑफिसर चेक करने आते हैं, आपको फोन आता है कि हाउ वेल यू आर डूइंग, आपको सब जो रिक्वायरमेंट की चीजें वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये कॉल आपको कभी आती है? ये एवरी, सुबह 9 9 o'clock के आसपास आती है। तो ये एवरीडे का प्रोसेस है, एवरीडे। नहीं, ये डिपेंड करता है, ओके पर आपको एक दो कॉल्स तो आती ही है। मुझे अभी तक 2 कॉल्स आई हैं। तो ओके फिर आपका 3 डे क्वारंटाइन हो गया, आपके पास नेगेटिव रिजल्ट्स है, आप अपने क्वारंटाइन लोकेशन पे पहुंच गए,
और फिर अभी बात करते हैं आपके 10th डे पे क्या होता है। ओके तो 10th डे पे आपको याद है मैंने बोला होगा कि आपको एक किट मिलती है जो कोविड टेस्ट की किट, सेल्फ टेस्ट किट मिलती है। राइट तो वो किट में आपको एक लेटर मिलता है, उसमें आपका स्वाब मिलता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। ओके हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी आया। तो ओके उसमें आप देख सकते हो क्यूआर कोड है ऊपर, तो राइट राइट आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ओके ये 10th डे करना है कि वो आप जाते ही कर 10th डे, टेंथ 10th डे, हाँ ओके एयरपोर्ट पे भी बोलेंगे 10th डे को आपको करना है ये। ठीक है एक बार आप ये कर लोगे तो फिर आपका वेटिंग टाइम होता है, मतलब अगर आपके आगे लोग हैं तो वेटिंग टाइम होता है। और फिर जैसे ही आपका नंबर आता है, नर्स होती है वीडियो के उस साइड और वो आपको गाइड करती है कैसे टेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ओके तो तो वो एक एक बार आपका वीडियो कॉल पे भाई, आपको देते हैं हाँ सारे वीडियो कॉल पे सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको, उसके सामने अपने नोज में वो जो स्वॉब किट डालनी है हाँ वो करना है। एक बार आपकी टेस्ट हो गई तो आपको सारा इंस्ट्रक्शंस मैनुअल में सब लिखा है कैसे पैकेज करना है, क्या करना है, और आपको उसको फ्रिज में रखना है या रेफ्रिजरेटर में। हाँ ओके वो स्वाब को पैक करके वो सील करके रखना रख है रेफ्रिजरेटर में। और फिर प्रोरोलेटर वालों को आपको कांटेक्ट करना है पिकअप के लिए। ठीक है। और ये सब तो पेड होता है प्रो कि आपको पे करना पड़ता है प्रूव नहीं लेटर नहीं ये कुछ नहीं आपको पे नहीं करना होता है। हमारे टाइम पे तो पे नहीं करना पड़ता है। ओके हाँ आपको जो आप वैंकूवर से कोविड टेस्ट करा रहे हो या जो इंडिया से टेस्ट करा रहे हो उसका आपको पे करना पड़ेगा। राइट ठीक है ये उसका एयरपोर्ट पे जो टेस्ट होती है और जो टेस्ट किट होता है उसका आपको कोई चार्जेस नहीं होता कोई है। चार्जेस नहीं है ठीक है। तो एक बार ये टेस्ट हो गया आपने कॉल किया आके वो बंदा हाँ पूरा अगर आज ही मेरा 10th डे का क्वारंटाइन था, आज ही मैंने उनसे बात करी पिकअप के लिए, तो वो कल 9 to 1 के बीच में वो बंदा आएगा। और वो अभी आपका क्वारंटाइन के कितने दिन बाकी हैं अभी मेरे आज 10th डे है तो 4 दिन और बाकी है 4 दिन और बाकी हैं ठीक है जी। राइट तो वो बंदा आपका किट लेके जाएगा और फिर जैसे ही आपका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा तो भी आपका 14th डे जब भी खत्म होगा तो 15th डे ऑनवर्ड्स यू कैन गो आउट। आप अपने काम पे जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। ओके तो 10th डे के बाद अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो बट स्टिल यू हैव टू डू योर क्वारंटाइन राइट या आपको अपना 14 डे इन माय ओपिनियन आपको कंप्लीट करना चाहिए और डायरेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। राइट आई थिंक आप नेगेटिव भी आए तब भी आपको करना ही है क्योंकि 14 डेज तो जो यस बाय लॉ है यहाँ पे तो आपको हाँ, करना क्योंकि आपको पता नहीं, अगर आपको एकदम माइल्ड सिम्टम्स भी हो तो उसको सिम्टम्स को आने के वो 1-2 दिन भी लग सकते हैं। राइट एग्जैक्टली ऑसम। तो ये तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था हर्ष थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आई एम श्योर कि जितने भी जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हाउ दे कैन प्लान देयर ट्रैवल इफ दे आर कमिंग टू कैनेडा। सो आई गेस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों इस वीडियो से एंड थैंक्स टू हर्ष अगेन फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वीडियो एंड शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड we will keep on posting informative videos related to Canada and immigration. Thank you so much for joining us. Harsh, you want to say anything? Final words. नो जस्ट ट्रैवल सेफ, मास्क पहने रखिए हमेशा और सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा हैंडी रखिए, बस और तो कुछ नहीं। Awesome. Thank you so much for your time, Harsh. Thank you so much, and I'll see you in the next video, guys. Bye. बाय।